तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग का A52 एक सेट है। इस सेट में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, ये मैं आपको चार्ट करके दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ये चार्जिंग का सिंबल आ गया है और ये सिंबल आने के बाद इस पर एक स्क्रीन पे एक एरर आएगी। ये वाटर ड्रॉप मॉइस्चर डिटेक्ट हो रहा है इसमें। आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास नया चार्जिंग पोर्ट है। अब इसको चार्जिंग पोर्ट को यहाँ से निकाल के इसको इस पे लगाएंगे। लगभग लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट पीसीबी को, सब पीसीबी को चेंज कर देते हैं। ये कस्टम को काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट हम इस पोर्ट को, न्यू पोर्ट को फिक्स कर देंगे। ये काफ़ी बजट में भी रहता है और सक्सेस कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ये चार्जिंग पोर्ट है और इसके साथ ही यहाँ पे माइक लगा होता है। ये माइक का एक होल है, हीट जाके इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम माइक के होल को कवर कर देंगे, ये इस पर एक टेप लगा देते हैं तो माइक बिल्कुल इससे सेफ रहेगा। और उसके बाद जो अगला काम है, हम इस पोर्ट को यहाँ से निकालेंगे। इस पोर्ट में पीछे यहाँ ये पेस्ट डाली हुई है, इसको पहले साफ कर देते हैं। थोड़ी सी फ्लेक्स लगाएंगे, फ्लेक्स लगा के सारा सरफेस क्लीन करेंगे। इन सारे पिनों पे हमने थोड़ा शोल्डर लगा दिया है, ये लो टेम्परेचर का शोल्डर है। अब इस पर हम चार्जिंग कनेक्टर को फिक्स कर देते हैं। SMD से कई बार सारी पिन अटैच नहीं हो पाती है, तो हम 1x1 शोल्डरिंग आयरन से इसको पूरी मजबूती से फिक्स करेंगे, ताकि इन फ्यूचर इसमें लूज शोल्डरिंग की कोई भी समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारी की सारी पिनें बहुत अच्छे से यहाँ सोल्डर हो चुकी है। अब हमारा काम बचता है इसकी जो स्पोर्ट लेग है, ये जो इसको स्पोर्ट दे रही है, ये देखिए सारे होल आपको अभी खाली दिखाई दे रहे होंगे, हम इनको सोल्डर करने वाले हैं। इस पर थोड़ी फ्लेक्स पहले लगा देते हैं ताकि शोल्डर अच्छे से पकड़ लें इसको।
अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, ये फाइनल हो चुका है। इस पर फ्लेक्स हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, अगर थोड़ी बहुत ही फ्लेक्स कहीं रह जाती है तो ये डस्ट को पकड़ लेता है और कनेक्टर में जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है। रिपेयरिंग में कोई भी काम हो उसमें साफ सफाई का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेट बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसमें कोई भी एरर किसी टाइप की भी नहीं है। तो आपके भी सेट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारी शॉप पे विजिट जरूर करें। कहीं भी ज़्यादा कुछ खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल रिजनेबल भाव में आपको ठीक करके देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।